आज मैं कोडो मिलेट से कर्ड मिलेट बनाने जा रही हूँ, जिस तरह कर्ड राइस बनता है। तो इसे मैं रात में भिंगो दी थी, ये एक कटोरी मिलेट को मैंने रात में भिंगो दी थी। किसी भी मिलेट को बनाना हो उसको 6-7 घंटा अवश्य भिंगोए, क्योंकि इसके अंदर के फाइबर्स को फूलने के लिए समय चाहता है। अगर ये फाइबर्स नहीं फूला है तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता है इसका। अभी मिलेट थोड़ा कड़ा है, इसमें आधा कटोरी पानी डाल के इसको धीमी आंच पे थोड़ा और गला लेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। पके हुए मिलेट से आधा मिलेट मैं बाउल में निकाली हूँ, इसी का कर्ड मिलेट बनाऊंगी। इसमें 1 कप दूध डाल देते हैं। ये दूध डालने से ये मिलेट बहुत मॉइस्ट सा हो जाता है, और अभी जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें दही डालेंगे और छौंकन करेंगे। गैस पर एक छौंक तैयार करते हैं। इसमें 1 टेबल स्पून तेल डालते हैं। इसको शुद्ध घी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको फ्रिज में ठंडा करेंगे तो ये शुद्ध घी जम जाएगा। छौंकन में 1/2 टीस्पून चने की दाल, 1/2 टीस्पून उड़द की दाल डालते हैं और 1/2 टीस्पून राई से छौंकते हैं। इसी में करी पत्ता डाल देते हैं और बहुत थोड़ा सा हींग डालते हैं और हरी मिर्च। ये छौंक तैयार है। मिलेट में 150 ग्राम के लगभग दही डाल के मिला लेते हैं। यह जो दूध डाला है यह ऑप्शनल है, आप चाहिए तो थोड़ा पानी डाल के और अधिक मिलेट को गला सकते हैं, पका सकते हैं। मैं मॉइस्ट रखने के लिए दूध डाली हूँ, आप पानी से भी ज़्यादा पानी डाल के इसको उबाल लीजिए, क्योंकि ये जो कर्ड राइस है ये थोड़ा गीला अच्छा लगता है। इसको इसमें मिला दिया और इसी मिलेट में हम रोस्ट की हुई मूंगफली डाल देते हैं और ये छौंकन जो तैयार किए हैं ये छौंकन मिला देते हैं। इसको अच्छे से मिला के थोड़ा देर ढक देते हैं, और ऐसे तो ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, तो आप चाहिए तो इसको फ्रिज में थोड़ा 1/2 घंटा के लिए रख दीजिए और फिर खाने में उठाइए, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। मिलेट में नमक डाल देते हैं। मैंने पहले से इसलिए नहीं डाला था कि दही खट्टी हो जाएगी, और ये बस खाने के थोड़ी देर पहले ही डालते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। कर्ड मिलेट बनकर तैयार है। यह अपने आप में फुल मील है, इसके संग किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे आप चाहिए तो सब्जी के संग खा सकते हैं या कोई चटनी के संग खा सकते हैं, लेकिन आप जैसे मर्जी वैसे खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा। आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन दबाइए, मेरे सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। धन्यवाद।